रहते हैं मंत्री विश्वास सारंग की, जिनका एक बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर कहा कि स्वाभिमानी कांग्रेसी अब नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। जनता समझ गई है कि 70 साल राज करने के बाद देश में काम नहीं किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बोले हैं मंत्री विश्वास सारंग। उनका कहना है कि स्वाभिमानी कांग्रेसी अब नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। जनता समझ गई है कि 70 साल राज करने के बाद देश में काम नहीं किया। देखिए, कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई और जो भी स्वाभिमानी कांग्रेसी है अब वो नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। ये बात सही है कि नेतृत्व की काबिलियत यदि कमज़ोर हो, यदि नेतृत्व काबिल नहीं हो, केवल एक खानदान एक परिवार का व्यक्ति है इसलिए वो नेता बन जाए, तो हश्र यही देखने को मिलता है। और लोगों ने ये मान भी लिया है कि 50-55 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज तो किया परंतु देश का कोई उद्धार नहीं किया, देश की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। तो कमलनाथ के गैर हाजिर होने पर बोले हैं विश्वास सारंग। जब सदन में गैर हाजिर रहे कमलनाथ, इस पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नदारद है, इसका मतलब ये कि विपक्ष कितना गंभीर। हंगामा करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मंच का उपयोग करना चाहते हैं और इसीलिए कमलनाथ जी की गैर मौजूदगी इस बात को इंगित करती है कि कांग्रेस सीरियसली ना विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है, ना ही जनता की समस्याओं के प्रति वो कहीं से भी उत्तरदायी है या किसी भी तरह से जनता की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती।